आप सभी देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूँ इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ वहाँ की खासियत आपको बता दें, यहाँ पर 10 रुपये में आपको भरपूर पेट भरकर खाना जो है वो खाने को मिल सकता है। अन्नक्षेत्रा है नाम इसका, ग्रेशियस गिवर्स ट्रस्ट अन्नक्षेत्रा, जेके मीडिया के ठीक सामने अपोजिट में ये पड़ता है, जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये में खाना भरपूर पेट भरकर जो है वो मिल सकता है खाने को। जैसे कि अंदर के विजुअल्स आपको मैं दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग बैठे हैं और वो खाना खा रहे हैं, अपना खाना जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये की ये थाली है जिस थाली में ये लोग खाना खा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 3 रोटी है, साथ में चावल है, दाल है और भी सब्जी है, और सब लोग जो है पेट भरकर यहाँ से रोज़ाना खाना जो है वो खाकर निकलते हैं। चलिए मैम से भी बात करते हैं जो इसे रन करते हैं। हेलो मैम, मैम सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगी कि इनिशिएटिव आपने स्टार्ट कब किया? मैम ये 2022 में मैंने स्टार्ट किया था 7 मई को, तो अब ये 2 इयर्स होने वाले हैं। तो इसके पीछे मुद्दा यही है कि अपने जम्मू कश्मीर को भूख मुक्त करना है और कोई भूखा ना सोए, तो इसीलिए यही सोच के साथ बाहर आई हूँ। और हर 10 किलोमीटर एरिया पे एक अन्नक्षेत्र चलाना चाहती हूँ, जिसमें जो उस एरिया का नीडी है या जो कोई भूखा सो रहा है जिसको खाना नहीं मिल रहा है, तो वो हमारे अन्नक्षेत्र में आके 10 रुपये का खाना खा सकता है। लेकिन मैं अगर मैं आपको पूछूँगी 10 रुपये की बात है, तो 10 रुपये में कितनी बचत आपकी हो सकती है? और या तो ऐसा है कि आप खुद कुछ कर रही हैं या फिर साथ साथ में ये भी चला रही हैं, वो अलग बात है, आप खुद क्या करती हैं? सबसे पहले मेरा यही सवाल रहेगा। मैम मैं बिजनेस करती थी, मैंने वो सेक्रीफाइस कर दिया इस सेवा के लिए, तो अब वो मैंने मतलब जिम उसको कन्वर्ट कर दिया है। हाँ, तो बाकी अब ये सेवा ही चल रही है। और मतलब 4 अन्नक्षेत्र हम जम्मू में चला रहे हैं, KD हॉस्पिटल में, नेशनल हॉस्पिटल में, त्रिकुटा नगर और शास्त्री नगर। तो अभी बहुत जल्दी आप और भी अन्नक्षेत्र देखें, हिसाब लगाया और ये भी नहीं सोचा कि क्या बच रहा है, बस जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि इसमें बचता क्या है। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है इसमें बचता क्या है, तो बचता क्या है, तो इसमें बचने वाला तो कोई मामला नहीं। मैम आजकल का टाइम अगर देखें तो महंगाई इतनी ज्यादा है कि सबको रहता है कि हमें ये भी खरीदना है, वो भी खरीदना है, ये अपना शौक भी पूरा करना है, साथ में बच्चे होते हैं तो बच्चों की भी हर एक जरूरत को पूरा करना है, तो उसके चलते अगर हम देखें तो हमें कुछ ना कुछ अर्न तो खुद का करना ही पड़ता है ना। हाँ मैम, वो आपका क्वेश्चन राइट है, बट मतलब महादेव की कृपा है, ये कैसे रसोईयां चल रही हैं ये मुझे भी नहीं पता, ये मेरे महादेव ही चला रहे हैं, तो मतलब उन्हीं की कृपा से हो रहा। और मैं जम्मू वालों का थैंक्स करना चाहती हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया और आगे बढ़ चढ़ के हमें सेवा करने के लिए मुझे बढ़ोतरी दी और हमारे साथ जुड़ के मतलब ये साबित कर दिया कि नेकी भी है हमारे जम्मू कश्मीर में। तो फंड्स वगैरह आते रहते हैं? हाँ मैम, फंड्स भी आते हैं, मॉनिटरी फंड्स भी आ जाते हैं, लेकिन इतने हाई नहीं आते हैं, बट छुटका छुटका जो भी है आ जाता है। और कुछ लोग मंथली बेसिस पे फिक्स हो चुके हैं, जो सब्जी डोनेट करते हैं, राशन डोनेट करते हैं, दाल डोनेट करते हैं, ऑयल डोनेट करते हैं, तो बहुत लोग हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया है। मैं देख सकती हूँ यहाँ से कि यहाँ पे बॉक्स रखा हुआ है जहाँ पर लोग यहाँ पर आके 10 रुपये इसमें डालते हैं। हाँ। राइट, तो उसके बाद ये बॉक्स कब खुलता है? जैसे कि यहाँ पे लॉक भी लगा हुआ है। हाँ, तो मैम ये बॉक्स कभी मंथली बेसिस पे खुल जाता है, जब सबकी सैलरीज देनी होती है तो काउंट करके हमको बैंक में डालना पड़ता है, या हम कभी तो मैम 10 रुपये में जो आप मंथली मंथ के एंड पे खोलते हैं तो वो सैलरीज उससे हो जाती है? मैम मैंने आपको वही बोला ना, मुझे भी पता नहीं चल रहा ये क्या हो रहा है, लेकिन हो रहा है। कितने एम्प्लॉयज है यहाँ पे? 15 से 20 एम्प्लॉयज हैं जिनकी मंथली सैलरी निकालनी पड़ती है, कुछ पेज हैंडलर्स हैं, कुछ रिक्शा वाले हैं, कुछ एम्प्लॉयज जो इन हाउस काम करते हैं, तो बस यही है कि थोड़ी लेट हो जाती है लेकिन मिल जाती है सबको। लेकिन ये है कि कुछ लोग मतलब जैसे बिना इन्फॉर्म किए छोड़ देते हैं। मैं ये हाँ पहले इनको खाना दे देते हैं क्योंकि वो कब से वेट कर रहे हैं। भैया आप कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ से। तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे 10 रुपये में आपको भरपूर पेट भरकर खाना जो है वो खाने को मिल पाएगा? एक दो बार और आए थे खाना खाने। पहले इससे पहले आए हो? कितनी बार? दो बार। खाना कैसा लगता है? अच्छा है। 10 रुपये देके चले जाते हो? ठीक। सिर्फ लंच करने आते हो? ठीक है, ओके।
जैसा कि मैम आपने कहा कि आप एक जिम जो है वो भी रन करती थी, लेकिन अभी आपने वो अपने हस्बैंड के हाथों सौंप दिए, वो अभी उसको रन करते हैं, तो आपका क्या रहता है? आप सिर्फ समाज सेवक या फिर सुबह से शाम तक आपका यही काम रहता है कि आपको 24/7 इस सेवा में ही अपने डिवोट कर रही हूँ, ताकि जो मेरा मिशन है वो जल्दी से जल्दी उसको मैं सक्सेसफुल कर सकूँ। और हम लोग अपनी खेती भी स्टार्ट कर दी हम लोगों ने चट्ठा में, हमने अपने सब्जी वहाँ पे कल्टीवेट करना शुरू करी है। बड़े लोग हैं जिन्होंने मुझे अपनी लैंड्स दी हैं और कहा है कि आप उसको यूज करो, सब्जी वगैरह लगाओ, तो वो भी नोबल कॉज के लिए ही है। जब वहां से हमारी उत्पादी होगी तो वो हम अपनी अन क्षेत्र में ही यूज करेंगे, ताकि यही है कि हम कितना किसी पे डिपेंड रहेंगे। तो यही चाहती हूँ कि वहां से जो कल्टीवेशन हो अनाज की, आटे की, चावल की और सब्जियों की, तो वो हमारे अन क्षेत्र में प्योर पौष्टिक भोजन हो, वो केमिकल फ्री खेती हो रही है, इट्स प्योरली ऑर्गेनिक, उसमें हम कोई केमिकल पेस्टिसाइड्स कुछ नहीं डाल रहे हैं, तो वो खेती भी स्टार्ट कर दी है हमने। ओके मैम, आसपास काफी ऑफिसेज भी है, तो ऑफिसेज के एम्प्लॉयज यहाँ पर आते हैं खाना खाने? हाँ जी मैम, काफी लोग आते हैं, ऑफिसेज के एम्प्लॉयज भी आते हैं, लेबर भी आती है, बहुत लोग ऐसे आते हैं जिनके घर में कोई खाना बनाने के लिए नहीं है, और मतलब राशन है लेकिन बनाने के लिए कोई नहीं है, और अगर बनाने के लिए कोई है तो देने के लिए कोई नहीं। आप होम डिलीवरी तो नहीं करते हैं? नहीं, मतलब लोग ले जाते हैं यहाँ से, पैकिंग करवा के भी ले जाते हैं लोग, कुछ लोग डिनर्स ले जाते हैं अपने पैक करा के, कुछ लंच भी ले जाते हैं, मतलब सब चलता है। होम डिलीवरी का अगर ऐसा कुछ ऑप्शन आपको स्टार्ट करना हो तो? मैम उसके लिए मुझे थोड़ा सिस्टम और अपग्रेड करना पड़ेगा, उसके लिए मशीन्स चाहिए, पैकिंग सिस्टम चाहिए, ऐसा ऐसा सब कुछ होगा। तो डेली जो कस्टमर्स, जो भी क्लाइंट्स यहाँ पर आते हैं, वो डेली बेसिस पे जो मतलब एक दिन आए वही अगले दिन सेम आए, यहाँ चेंज होते रहते हैं? नहीं, चेंज भी होते हैं, कुछ लोग कई बार राजस्थान से, कोई लोग जम्मू विजिट करते हैं तो उन्होंने यूट्यूब पे देखा होता है कि 10 रुपए की थाली खानी खानी है, तो वो स्पेशली फोन करते हैं। कल ही एक क्लाइंट था जिसने 10 रुपए की थाली का सुना था, तो वो पहले शास्त्री नगर उन्होंने विजिट किया, तो मैंने कहा भैया वो बंद रहता है संडे को, तो आप तकुटा नगर आ जाओ। वो स्पेशली यहाँ खाने आए, हमने उनका वीडियो भी बनाया, तो उनको बहुत अच्छा लगा कि मैं इतने दिन से जम्मू में और मुझे इतना अच्छा खाना नहीं मिला, तो मैं यहाँ पे आके बहुत सेटिस्फाइड हुआ और मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ आके खाना खा के। ओके, तो ये भी खाना खाने के लिए आए हैं इनको भी। भैया आप कहाँ से हैं? तनुटा नगर। कहाँ से? तनुटा नगर। ओके, तो आप रोज यहाँ पर खाना खाने के लिए आते हैं? हाँ, अच्छा लगता है यहाँ? बहुत बढ़िया लगता है हमको। आस पास ही काम करते हैं? हाँ, राजमिस्त्री का काम करते हैं, तो इधर ही आके खाते हैं, इसमें बॉस में पैसा डाल देंगे तो जितने मर्जी खा सकते हैं। तो देखिए आप सब लोग, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप सबको बता देंगे 10 रुपए में आपको दाल, चावल, सब्जी, रोटी सब मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए में। जम्मू शहर के अंदर 10 रुपए में खाना मिलना, वो भी भरपेट आप खा सकते हैं। और एक बार यहाँ की, यहाँ भी देखिए, मैं कैमरे पर्सन से कहूंगी एक बार यहाँ घुमाइए, यहाँ पर लिखा है कि खाना छोड़ने पर 500 रुपए जुर्माना। 500 रुपए जुर्माने की बात भी हम मैम से करेंगे। मैम एक मिनट खाना दे रहे हैं। मैम 500 रुपए जुर्माना। मैम लोगों को लगता है कि ये बहुत इजी है 10 रुपए का खाना थाली में लेना और उसको वेस्ट करना है, तो आई एम अगेंस्ट दैट वेस्टेज। तभी जगह जगह ये बैनर्स लगे हैं, जगह जगह ये स्टिकर्स लगे हैं, क्योंकि लोगों का हार्ड अर्नड मनी है जो हमारे तक पहुंच रहा है, तो आई डोंट वांट कि कोई भी इस खाने को एक तिनका भी वेस्ट करे, क्योंकि ये बाबा जी का प्रसाद है। ऐसा हुआ है, लोग वेस्ट करते हैं? लोग वेस्ट करते हैं, और मैंने उनको पकड़ लिया है, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इस सेवा में बहुत हार्ड वर्क किया है और 24/7 मैं इस सेवा को दे रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि हमारी रसोई में जो भी खाना खाने आए वो इसको वेस्ट करे। अगर उसको कम लेना है तो वो हमें इन्फॉर्म कर सकता है कि मुझे कम डालो, मुझे ज्यादा नहीं खाना है, बट वेस्टेज के तो आई एम अगेंस्ट, बिकॉज मैंने कैसे कैसे दुनिया को अपने साथ जोड़ा है वो मुझे ही पता है, और कैसे कैसे उन्होंने यहाँ पे डोनेट किया है, हमने होम पिकअप भी किए हैं, अपने लड़कों को भेज के हमने घर से पिक भी करवाया है राशन, तो इट्स नॉट सो इजी जैसा लोगों को दिखता है। एक सिस्टम को चलाना इट्स अ वेरी टफ जॉब, और वो भी 10 रुपए में। वी आर नॉट डूइंग एनी बिजनेस, इट्स प्योरली सेवा, तो इसको सेवा की तरह ही लेना पड़ेगा। जो यहाँ खाना खाने आएगा वो वेस्ट नहीं कर सकता है, अगर वो वेस्ट करेगा तो मैं उससे 500 रुपया। मैम जम्मू वासियों को एक बार आप मैसेज दे दें? मैं जम्मू वासियों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े, इस सेवा का हिस्सा बने,
कोई भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो 9906076758 पे मुझे कॉल कर सकता है और हमारे साथ जुड़ सकता है। कोई भी यहाँ आना चाहता है सेवा देने के लिए वो आ सकता है, और कोई भी यहाँ सेवा करने के लिए आना चाहता है तो वो भी आ सकता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ हमारे साथ जम्मू का बच्चा जुड़े जो इस सेवा में शामिल हो, और हमारे साथ क्योंकि आने वाला जो टाइम है इट्स प्योरली सतयुग टाइम, तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग हमारे साथ जुड़े ताकि हम जम्मू को जल्दी से जल्दी भूख मुक्त कर सकें। थैंक यू। क्या बात है मैम, थैंक यू सो मच मैम। तो देखिए कितनी अच्छी सोच है इनकी, निधि मैम की कितनी अच्छी बात जो है इन्होंने कही है कि जम्मू को जो है भूख मुक्त करना है, और आप देखिए सब लोग यहाँ पे किस तरीके से खाना खा रहे हैं और घर भी लेके जा रहे हैं। भैया आप ये घर लेके जा रहे हैं? जी घर लेके जा रहा हूँ। घर पे खाएंगे। आप देखिए लोग खुशी खुशी यहाँ पर आते हैं और खुशी खुशी खाना खाकर यहाँ से 10 रुपए देकर निकलते हैं, और इससे अच्छी बात क्या और हो सकती है कि कोई समाज की इस कदर जो है सेवा करें, 10 रुपए में आपको भरपूर जो है पेट भरकर खाना खाने को मिल रहा है, और आप देखेंगे कि आसपास की लेबर जो है यहाँ पर आके खाना खाती है और इन्हें कितनी खुशी जो है वो महसूस होती होगी, यहाँ तक कि एम्प्लॉयज़ भी यहाँ पर जो आसपास के ऑफिसेज है वो भी आते हैं और यहाँ पर 10 रुपए में, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए में खाना जो है वो खाते हैं। तो आप सबको भी बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता है जम्मू वासियों की अगर मैं बात करूं तो अगर आपको नहीं पता है कि 10 रुपए में कहीं जम्मू में आपको खाना खाने को मिल पाएगा, वो भी सब कुछ यानी कि दाल चावल रोटी सब कुछ, तो आपको करना ये है कि आपको मार्बल मार्केट जेके मीडिया के बिल्कुल सामने आना है और यहाँ पर आपको 10 रुपए में भरपूर पेट भरकर खाना खाने का जो है वो मिल पाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और भी वीडियोस के लिए अपडेट्स के लिए आप ऐसे ही देखते रहिए स्टेट टाइम्स।